करेंगे? हम मात्र चार घंटे का, एक महीना हमने प्रशासन को दे दिया, एक महीना हम कैसे धंधा चेक नहीं कर पाएंगे? हमारी भावना प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हम हिंदुओं की सुनवाई नहीं हो रही, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कुछ असामाजिकता नहीं करते, उसके बाद प्रशासन हमारी नहीं सुनता है। हमारी गलती नहीं है, प्रशासन की है, शासन न पूछ सकता है। जब हम उन्हें बेगना दे रहे हैं, उसके बाद वो लोग उन्हें क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि हम अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कर रहे हैं, और हम यहाँ आत्महत्या करेंगे, इसे गलत मत समझो। आ रहा भाई साहब, आ रहा हूँ, मिलो आप। हम चार घंटे के बाद सर समझ आएंगे, जो चाहे हम गिरफ्तारी देने के लिए, हम गिरफ्तारी देने के लिए। हम प्रशांत शर्मा है, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलवार हिंदू महासभा के हैं। मामला ये है, मुस्लिम पक्ष ने मंदिर को खंडित, कुछ और देख रहा था, मुस्लिम पक्ष ने मंदिर को खंडित कर दिया। ये कार्रवाई लगभग 5-6 साल से कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो हद से ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। कभी वो देव प्रतिमाएं तोड़ देते हैं, कभी होली दिवाली त्योहार होता है तो होली पे आग लगा देते हैं, उद्दंडता करते हैं, और कभी भी कोई कार्य होता है आगे नहीं बढ़ने देते। इस वक्त उन्होंने इतनी हद पार कर दी है, पूरा मंदिर तोड़ दिया, प्रशासन सुनते हुए तैयार नहीं है। हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास आधार हैं, वो लोग पुलिस के मुखबर हैं, पुलिस उन्हें साफ बचा रही है। बाकरगंज किला, बाकरगंज 1 लाख की आबादी है, वहाँ मुसलमानों की मात 40-50 हिंदुओं के है। अब एक बात बताओ, वहाँ पे हिंदू क्या कर लेगा? 5-6 साल से ये लोग अच्छे ज्यादा परेशान है। प्रशासन खुद चाहता है कि हिंदू मुस्लिम लड़के मर जाए। कार्रवाई अगर नहीं होगी, एक महीना हो गया, ऐसो खिला, उन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय दिया था, हमने 10 दिन दिए। सीओ एलआईयू सेकंड जो है, उनसे हमने 3-4 बात की, उन्होंने सब टहलाया। हम मात्र यहाँ पे 4 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 4 घंटे में अगर सुनवाई नहीं होती है, हमारे यहाँ से कोई भी एक या कई लोग बैठ के यहाँ आपदा करेंगे। इसका कारण है, यह मेरे घर की लड़ाई नहीं है, इनके घर की लड़ाई नहीं है, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर हमारी धार्मिक भावना है। इतना गवर्नमेंट होने के बाद भी अगर नहीं सुनवाई हो रही है, तो इसका मतलब हमें लग रहा है हम अपने देश में नहीं, पाकिस्तान या सीरिया में रह रहे हैं। या हमें हमारी नागरिकता खत्म कर दो, या हमें हमारी नागरिकता। और आज तक पहली बार अब हमने थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन किया है।